हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ, आप देख रहे हैं ट्यूब। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हल करने वाला हूँ इंग्लिश का चीट कोड एफ। तो मैं सभी का आंसर बोल रहा हूँ, अपना मिलाते जाइएगा अपना क्वेश्चंस का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल, इसका आंसर होगा डू नॉट। एक का ए होगा, दो का दो में है दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर डी होगा दे विल कैम हेयर नेक्स्ट वीक। दो का डी। तीन का मर्सा इज रीडिंग अ नॉवेल, इसका पेसिव वॉइस बनाना है तो इसका हो जाएगा ए नॉवेल इज बीइंग रीड बाय मर्सा। तो तीन का सी होगा। चार का ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, तो चार का होगा मस्ट नॉट, ड्राइवर को अधिक रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो चार का सी होगा। पाँच है व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम, तो इसका हो जाएगा बी सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट, पाँच का बी होगा। छ का छवां क्वेश्चन है यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, तो इसका हो जाएगा छ का डी होगा अंटिल यू स्टार्ट यू नाउ यू विल मिस द बस। छः का डी होगा। सात का द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वैकेशन, सात का ए होगा। आठ का चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव होम वर्क टू डू, आठ का ए। नौ का व्हेन सीता डैश बैक विल डिस्कस द प्रॉब्लम, तो इसका हो जाएगा कम व्हेन सीता कम, तो नौ का बी होगा। दस का डैश ही कम विथ अस, तो यहाँ पे होगा दस का ए बिल होगा यहाँ पे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका हो जाएगा सही करेक्ट होगा वर्ड आई विश आई वेयर यंग अगेन। ग्यारह का सी। बारह क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल, तो बारह का द होगा द ताजमहल। तेरह का द ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट डैश डाइड, तो तेरह का बी होगा हैज। चौदह का जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर टू वीक्स, तो चौदह का ए होगा हैज़ बीन लेइंग। पंद्रह का चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा सी इज गर्ल हुज नेम इज रवि। पंद्रह का ए होगा। सोलह का द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, इसका बनाना है एक्टिव वॉइस, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा डी टॉम पेंटेड द हाउस, सोलह का डी होगा। सत्रह का क्वेश्चन है आई डैश स्पीक स्पेनिश, सत्रह का होगा सी डू नॉट स्पीक स्पेनिश, सी होगा। अठारह का आइदर ऑफ टू डैश एक्सेप्टेबल, तो अठारह का ए होगा इज। उन्नीस का ए लॉट ऑफ एंग्री डैश वास्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रीजर, तो उन्नीस का ए होगा। बीस दूज हुज वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश, इसका होगा बीस का बी कॉलेज। इक्कीस का आई एम डैश माई बेड, तो यहाँ पे इक्कीस का होगा ए आई एम मेकिंग माई बेड। बाईस लिसन राधा द स्टेयर द सितार, तो इसका होगा यहाँ पे बाईस का सी इज ले प्लेइंग। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसका होगा सही वर्ड कमिटी, यानी तेईस का ए होगा। चौबीस का द मैन वाज डैश बाय अ डॉग, चौबीस का बी होगा बीट। पच्चीस का लुक डैश द पेंटिंग, यहाँ पच्चीस का ए हो बी होगा लुक एट। छब्बीस का ही डैश वीडियो गेम, तो यहाँ 26 का डी होगा इज प्लेइंग वीडियो गेम। 27 का होगा आई बॉट दिस बुक्स डैश ऑक्शन, यहाँ पे होगा 27 का बी फ्रॉम आई बॉट दिस फ्रॉम बुक्स फ्रॉम ऑक्शन, 27 का बी। 28 का व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजली गो फॉर स्विमिंग, 28 का डी। 29 का राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, तो यहाँ पे 29 का होगा बी। 30 का पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा, तो 30 का ए होगा द पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा। 31 का कह रहा है 31 में है क्वेश्चन फ्रॉम 31 से 12 बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। 31 का क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डन इज अ
डैश पोइट, जॉन रन एक मेटाफिजिकल पोइट थे तो इसलिए 31 का भी होगा। द लाइन इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है सोल्जर से, 32 का भी होगा। 33 का मैकबेथ एंड जूलियस कीजर आर रिटन बाय, ये लिखे थे शेक्सपियर, इसलिए 33 का सी होगा। इंग्लैंड इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं उसको, 34 का ये होगा। 35 का बोल रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, 35 का सी होगा। 36 का द ग्रेट वोवेल शिफ्ट लुक प्लेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग मॉडर्न, ये हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश। 37 का है द लाइन्स एंड नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है और टू ऑटम से, 37 का भी। 38 का एंड एज वी आर वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल, इसका हो जाएगा ऑलवेज बी सेटिस्फाई, 38 का ए। 29 का 39 का सेबी इज हॉबीज वाज कलेक्टिंग द गार्ड, 39 का ए। 40 का द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल दिस इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, 41 का ए। 42 कह रहा है 42 द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इज अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, 41 का सी। 42 में सावित्री इज रिटेन बाय ऑरोबिंदो घोष है सावित्री का, 42 का ए। 43 का बर्ट्रेंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1950, 43 का सी। 44 का द वास्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय T.S. एलियट, 44 का ए। 45 का द राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल नॉलेज, 45 का सी। 46 का द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैज इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश, उसे बोला जाता है, 46 का सी। 47 का इंग्लिश लैंग्वेज इज क्लासिकल लैंग्वेज देन संस्कृत एंड पर्सियन, 47 का सी। 48 का है वाल्टर डिलामेर मेक्स अस अवेयर ऑफ द ऑफ पॉवर्टी, 39 है वाल्टर डिलामेर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1873, 39 का सी। 49 का सी। 50 का आइडियाज़ दैट हेल्प मैन काइंड इज रिटन बाय बर्ट्रेंड रसेल, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है ट्यूब स्पेशल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।